अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, आप देख रहे हैं ज़ुल्फ़िकार व्लॉग। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आप भाइयों को नज़र आ रहा होगा कि मेरे चिक्स का, मेरे मुर्गों का खाना है जी, थोड़ी सी पालक है, थोड़े से चावल थे मेरे पास, सालन मेरे पास बचा हुआ था, और जनाब साथ में मिक्स दाना, मिक्स दाने में थोड़ी सी 12 नंबर फीड मैंने पानी में भिगो के नरम करके रख दिए जी। तो दोस्तों, इनमें थोड़ा सा प्याज भी काट के डाल दिया है, जैसे कि तमाम भाइयों को पता है जी, प्याज मुर्गियों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, हज़ार बीमारियों का एक इलाज है प्याज। तो जनाब, इनको मैं डेली बेस पे पालक और थोड़ा सा प्याज लाजमी खिलाता हूँ खाने के साथ। ज़्यादातर दोस्तों, मैं इनको घर का बचा हुआ खाना ही खिलाता हूँ, ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इनकी ग्रोथ के हवाले से बहुत ज़बरदस्त होता है जी, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी ये बड़े होते हैं घर की खुराक से। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें। तो जनाब, ये देखें जी, कितने शौक से खा रहे हैं जी, और रिजल्ट आपके सामने है जनाब। साथ में गोल्डन मिर्ची के चिक्स हैं, ये मुर्गियाँ भी इंशाल्लाह जनाब सर्दियों तक अंडे देना शुरू कर देगी। तो जनाब, इनके अंडे भी मैं इन हीरा मुर्गी के नीचे ही रख दूँगा, ताकि गोल्डन मिर्ची के चिक्स भी मैं निकलवाऊँ इंशाल्लाह, और मेरी हीरा मुर्गी भी इंशाल्लाह सर्दियों तक अंडे देना शुरू कर देगी। तो जनाब, इनके चिक्स भी निकलवाऊंगा और आप भाइयों से शेयर करूंगा। तो दोस्तों, जैसे आप भाइयों को पता है जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, अपने बर्ड्स को गर्मी से बचा के रखें, ठंडी जगह पे रखें। तो दोस्तों, मेरे भी खुड्डा जो जी, मेरा पिंजरा है जी, वो छत के ऊपर है, और दिन में 2 से 3 दफ़े इनको शावर भी करता रहता हूँ जी, ताकि ये ठंडे रहें। तो रिज़ल्ट आपके सामने है जनाब, माशाल्लाह से सेहतमंद है, एक्टिव है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें।